32nd birthday of heroine. Bebo celebrated her jingle happy birthday. जी हाँ, बेबो के लिए ये दिन है बेहद खास. एक तो बेबो का बर्थडे और दूसरा उनकी मोस्ट अवेटेड फ्लिक. हीरोइन इज रेडी टू एंटरटेन ऑडियंस विद अ डिफरेंट लुक. रणधीर कपूर और बबीता की डार्लिंग डॉटर हो गई हैं 32 साल की. उम्र के इस पड़ाव पर करीना की खूबसूरती को दुनिया सलाम कर रही है. आइए बेबो के हीरोइन बनने तक के सफर पर डालते हैं एक नजर. पर्दे पर करीना की एंट्री अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म रिफ्यूजी से हुई. देखते ही देखते ऑडियंस पर ऐसा जादू चला कि आज तक वे सबके दिलों पर शुमार है. कह दिया ना कि हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं. अब आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं. फिल्म कभी खुशी कभी गम में करीना ने अपनी अदाओं और खूबसूरती के लटके झटकों का जमकर जलवा दिखाया. इसके बाद तो बेबो के पास फिल्मों की लाइन लग गई और शुरू हो गया आसमान में उड़ान का सफर. जहां चमेली में उनके सेक्स वर्कर के रोल को सहारा गया, वहीं ओमकारा में उनकी एक्टिंग कमाल कर गई. चलना है क्या. जब भी मैट की उनकी एक्टिंग का जलवा धुंधला भी नहीं हुआ कि थ्री इडियट्स में करीना ने फिर धमाल मचा दिया. करीब 48 फिल्मों में काम कर चुकी करीना आज हीरोइन की सक्सेस की कामना कर रही है. वैसे दुनिया करीना की दीवानी है, लेकिन करीना तो है सैफ की दीवानी. और इन दिनों वो सैफ के साथ शादी को लेकर चर्चा में है. तो फिर चांद को ही देखिए ना. सो हैप्पी बर्थडे टू यू करीना. पायल न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो.